नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और स्वागत है आपका टैली की इस क्लास में, जहां आप सीख सकते हैं हिंदी में अकाउंटिंग। अगर आप कंप्यूटर अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एजटेक एजुकेशन को। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग पार्ट टू की, और इस पार्ट को देखने से पहले आप पार्ट वन ज़रूर देख लें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक रहतिया, क्रेडिटर लेनदार, डेटर देनदार, लायबिलिटीज दायित्व, ये दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टर्म स्थायी दायित्व, शॉर्ट टर्म चालू दायित्व। उसके बाद एसेट्स, ये भी दो प्रकार की होती है, फिक्स एसेट्स स्थायी संपत्ति, करंट एसेट्स अस्थायी संपत्ति। एक्सपेंसेस व्यय, ये दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अप्रत्यक्ष व्यय। दोस्तों, टैली में एंट्री करने से पहले हमें मैनुअली एंट्री करना सीखना होगा। उसके लिए हमें इन सभी को बहुत अच्छे से सीखना होगा, याद करना होगा और इनकी परिभाषा को जानना होगा। तो चलिए बात करते हैं अब इनकी परिभाषा की। स्टॉक रहतिया, व्यापार के अंदर वर्तमान समय में जो माल होता है उसे स्टॉक रहतिया कहते हैं। स्टॉक दो तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, व्यापार के शुरू में जो माल व्यापार में आता है उसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, व्यापार में वर्ष के अंत में जो माल बचता है वह क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। जैसे कोई व्यापारी गर्मी के 200 पीस कपड़े लेके आता है जिसमें से 50 पीस बिकने से रह जाते हैं, तो वह क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। क्रेडिटर लेनदार, वह व्यक्ति या संस्था जो किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को पैसा या माल सेवाएं उधार देता है या बेचता है, क्रेडिटर कहलाता है। जैसे रमेश ने 200 रुपए का माल रवि को उधार बेचा, तो रमेश क्रेडिटर लेनदार कहलाएगा। डेबिटर देनदार, वह व्यक्ति या संस्था जो किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था से पैसा या माल सेवाएं उधार लेता है या खरीदता है, डेबिटर देनदार कहलाता है। इसको हम ऋणी ग्राहक भी कहते हैं। जैसे गुप्ता ट्रेडर्स से मोहन ने 5000 रुपए का माल उधार खरीदा, तब ऐसे में मोहन डेबिटर देनदार कहलाएगा। लायबिलिटीज दायित्व, वह सभी कर्जे या ऋण जो व्यापार को अन्य व्यक्तियों या व्यापार के स्वामी के प्रति चुकाने होते हैं, लायबिलिटीज कहलाते हैं। ये दो तरह के होते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज स्थायी दायित्व, वे लायबिलिटीज जो हमें लंबे समय तक चुकाने होते हैं। जैसे हमने किसी व्यापारी से कुछ रुपयों का सामान लिया जिसको हमें 2 साल या व्यापार समाप्त होने तक चुकाना होगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहलाएगा। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, वे लायबिलिटीज जो कम समय में चुकाने होते हैं। जैसे राम ने 5000 रुपये रवि से लिए जिसको 1 साल या उससे पहले चुकाना है, वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहलाएगा। एसेट्स संपत्ति, व्यापार के संचालन हेतु जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है या व्यापार में लाई जाती हैं, वे समस्त वस्तुएं संपत्ति कहलाती हैं। संपत्ति दो प्रकार की होती है, फिक्स्ड एसेट्स स्थायी संपत्ति, ऐसी वस्तुएं जिनको बार बार ना खरीदना पड़े,
और जिनको बेचा नहीं जाता। ऐसी संपत्ति स्थायी संपत्ति कहलाती है, जैसे भवन, मशीनें, फर्नीचर, मोटरगाड़ी आदि। करंट एसेट्स अस्थायी संपत्ति, ऐसी वस्तुएं जिन्हें जरूरत पड़ने पर खरीदा जाए या जो संपत्ति व्यापार में आती जाती रहे वह अस्थायी संपत्ति कहलाती है, जैसे कैश, नगदी, बैंक बैलेंस, डेबिटर, स्टॉक आदि। एक्सपेंसेस व्यय, माल को तैयार करने से लेकर उसे बेचने तक जो खर्चे होते हैं उन्हें व्यय कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रत्यक्ष व्यय, ये वे खर्चे होते हैं जो व्यापारी माल खरीदते समय करता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। व्यापार में रॉ मटेरियल कच्चा माल को गोदाम तक लाने का खर्च व तैयार करने का खर्च इसी में जोड़ा जाता है, जैसे मजदूरी, माल लाने का गाड़ी भाड़ा, रोई चुनकर, ईंधन व अन्य उत्पादन व्यय आदि। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अप्रत्यक्ष व्यय, ये वे व्यय होते हैं जिनका संबंध वस्तु की सेल से होता है। ये व्यापार के लाभ को कम कर देते हैं, जैसे सैलरी देना, कमीशन, डिस्काउंट, बिजली बिल, रेंट आदि। तो दोस्तों, आपने इन सभी अकाउंटिंग को स्टूडियो में सीखा। इसके अगले पार्ट के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।